एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी अपने साम्राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं। उनका बिजनेस को फैलाने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अडानी हमेशा नई नई सेक्टर्स में अपने पैर पसार रहे हैं। तो अब अडानी किस सेक्टर में अपना दाव लगाने जा रहे हैं, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप पोर्ट्स, पावर, गैस सेक्टर में अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। अब अडानी की नजर लॉजिस्टिक सेक्टर में, लॉजिस्टिक सेक्टर में भी अडानी बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। अडानी ग्रुप की अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की पेरेंट कंपनी अडानी लॉजिस्टिक ने आईसीडी टंब का अधिग्रहण करने का फैसला किया है। अब आपको आईसीडी टंब के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इसको इनलैंड कंटेनर डिपोट भी कहते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपोट को अंतर्देशीय कंटेनर डिपो भी कहते हैं। इससे दूर दराज के ग्राहक अपने परिसर के करीब बंदरगाह सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। VAPI गुजरात के वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये समझौता अडानी लॉजिस्टिक नवकार कॉरपोरेशन के साथ करेगी। नवकार कॉरपोरेशन लिमिटेड ICD टंब गुजरात में स्थित है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस अधिग्रहण से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में सहूलियत मिलेगी। इस पूरे अधिग्रहण प्रोसेस से भारत में लॉजिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ICD टंब के अधिग्रहण से अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सौदे से 5 लाख TUI यानी 20 फुट के बराबर के यूनिट को संभाला जा सकता है। ये पूरा सौदा 835 करोड़ रुपए में फाइनल हुआ है। बता दें, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के CEO करण अडानी इस कंपनी की कमान संभाल रहे हैं। ये गौतम अडानी के बेटे हैं। कंपनी इस डील से अपनी क्षमता को बढ़ाएगी। इस अधिग्रहण से अडानी पोर्ट्स की कई योजनाओं को रफ्तार मिलेगी, साथ ही साथ ग्राहकों को डोर टू डोर सर्विस देने में भी कंपनी को सहूलियत मिलेगी। अभी टंब अडानी लॉजिस्टिक के मौजूदा पोर्टफोलियो में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आते हैं। अडानी लॉजिस्टिक ने पटली, किशनगढ़, किला रायपुर, मालूर, मुंद्रा, नागपुर और तालोजा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने और बनाने का काम करता है। वहीं अडानी पोर्ट के शेयर का भाव 825 रुपए प्रति शेयर चल रहा है। ये 1.74 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है। पिछले 5 साल में इस कंपनी ने निवेशकों को 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।